हम तरस रहे थे वोट के लिए, तो आज वोट भी ज्यादा होगा क्योंकि लोगों में गुस्सा है वोट डालने के लिए। हम इस वक्त मौजूद है गणेशपुरा पहलगाम में और यहाँ पर भी जो है इस वक्त वोटिंग जारी है और लोग जो है धीरे धीरे अपने वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर भी जो है लंबी कतार है। इससे पहले अगर हम देखें जो बारामूला लोकसभा निशस्त के लिए वोटिंग हुई या श्रीनगर लोकसभा निशस्त के लिए वोटिंग हुई, वहाँ पर जो है रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखने को मिली और इस बार भी जो है उम्मीद की जा रही है कि जो अनंतनाग राजौरी लोकसभा निशस्त है इस पर भी जो है रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो और एक नया रिकॉर्ड कायम हो। करते हैं कुछ वोटर्स के साथ बात, जानते हैं उनका क्या कहना है। अब अपना नाम बताएं और आज आप वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा नाम है शौकत अहमद भट्ट। आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहां तक आए हमारे लाइव कवरेज करने के लिए। शौकत अहमद भट्ट, पोलिंग स्टेशन हार्दिक किजरू 41। तो आज हम वोट कास्ट करने आए हैं, बहुत अरसे के बाद यहाँ पर वोटिंग हुई है, तो वोट यहाँ पे आज लगता है मुझे 50-60% वोट हो जाएंगे आज। क्यों गुस्सा क्यों है, क्या मसला है? गुस्सा सबसे ज्यादा है 370 का, जो 370 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ लोगों से छीना है एक किस्म की जबरी तौर पे, तो गुस्सा वही है सबसे ज्यादा, क्योंकि वो एक प्रोटेक्शन थी कश्मीरी के लिए, वो भी छीना गया। सबसे ज्यादा जो गुस्सा है लोगों में वही वही है, विदाउट रीजन जागीरदारान निज़ाम के तौर पे ज़बरदस्ती, यहाँ की हुकूमत नहीं थी, छीना गया लोगों से, यहाँ की कंजर्ट नहीं, जो यहाँ हुकूमत थी उनसे पूछा, यहाँ हुकूमत ही नहीं थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और चाहते हैं लोग यहाँ की हुकूमत बने, यहाँ की नुमाइंदगी हो। जो यहाँ की हुकूमत होती थी वो लोगों से पूछताछ करके, वो ग्राउंड पे काम करके, लोगों की जो देरे ना मांग है, कोई भी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो आगे गवर्नमेंट को लेके उनको पूरा करने की पूरी कोशिश, लेकिन आजकल गवर्नमेंट नहीं थी तो चाहते हैं हम यहाँ की गवर्नमेंट बने। तो सरकार कहती है कि जो यहाँ की सरकारी थी जिन्होंने यहाँ पर राज किया है उन्होंने ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं किया और जो यहाँ पर बेरोजगारी है या डेवलपमेंट वर्कर्स है उन पर कोई काम नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जितनी भी बेरोजगारी है वो बढ़ गई है। जो ज़्यादा अमीर था वो ज़्यादा अमीर हो गया, जितना ज़्यादा जो गरीब था वो ज़्यादा ही गरीब हो गया। जो बेसिक था, जो यहाँ की गवर्नमेंट थी वो ग्राउंड लेवल पे काम करती थी। आजकल आपको पता ही है यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो कहाँ बैठे हैं, वो यहाँ का है ही नहीं, वो कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ देखेंगे यहाँ लोगों की क्या परेशानी है। यहाँ का MLA होता था हमें, वो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे देखता था क्या प्रॉब्लम्स है, उनको हल करने की कोशिश करता था। लेकिन आज जो नहीं यहाँ पे सरकार है, जितनी भी लोगों के जहन, खासकर हम नौजवानों के जो जहन है वो बिल्कुल परेशान है। मौजूदा गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो गई, हमारी जो जहन है बिल्कुल परेशान है। हम पहले चाहते हैं कि हम जहनी तौर फिट हो जाएं, तब जाके हम, ये एक ही चीज़ इसका इलाज है, जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो यहाँ की गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्या जिसको आप वोट कास्ट करेंगे कितनी उम्मीदें हैं उनसे आप? बिल्कुल आपकी जो बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम देखा जाए जो भी यहाँ जो नेशनल पार्टी है, बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, यहाँ पे सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस 70% यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जाएगा, क्योंकि लोगों की नुमाइंदगी उन्होंने ही की है। वो लोगों के जज्बात जानते हैं, वो लोगों के अंदर के हालात जानते हैं, ग्राउंड लेवल पे वो मतलब गरीब लोगों को जानते हैं, उनकी बेसिक्स प्रॉब्लम्स क्या है वो जानते हैं और वही हल करेंगे, पूरा उम्मीद है हमें। आप अपना नाम बताएं और आज आप जो वोट डालने जा रहे हो किस लिए आप वोट डाल रहे हैं? सर हम वोट इसीलिए जा रहे हैं कि हमारा कुछ मसाइल है, बहुत सारे मसाइल है गाँव में, क्योंकि वहाँ पर कोई मिनिस्टर आता नहीं है, वहाँ पर कोई मुलाजम आता नहीं है, वहाँ कोई देखता नहीं है कि गरीबी कितनी है, पानी है, बिजली है या नहीं, बिजली है लेकिन खंभे नहीं है, पोस्ट हैं लेकिन पानी नहीं है, और हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको भी कभी पढ़ाई के लिए कोई पैसे कोई नहीं है, और गरीबी है बहुत हमारे गांव में सर, और कोई मुलाजम आता नहीं, कोई किसी को आई वाई हाथ दिया, अभी कुछ पैसे छोड़े कुछ अभी बाकी है, देते नहीं सर, ऐसे खुले मकान में रह रहे हैं, और सारे बहुत सारे हमारे मसाइल हैं सर। क्या लगता है आपको जो पिछली सरकारें थी क्या उन्होंने गांव के लिए कोई काम नहीं किया? सर कुछ नहीं किया, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं सर, हमने कभी किसी भी मुलाजम को वहाँ देखा नहीं, कभी को आया नहीं, किसी ने पूछा नहीं हमसे आप क्या करते हो, कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। उम्मीद तो हम लगा बैठे 5 साल के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सर। जो जिम्मेवारी है इन लोगों की, क्या आप वोट डाल रहे हैं, आप वोट अपना कास्ट कर रहे हैं? जी सर, ये आते हैं, हम वो करेंगे ये करेंगे 5 साल के लिए, फिर आते हैं ना सर वोट लेने के लिए, वोट ले जाते हैं, बैठ में कोई भी नहीं हमारे गाँव में नहीं आता, हमें दिखता नहीं है काम। क्या इस बार आप बदलाव चाहते हो? जी सर बिल्कुल, हम बदलाव चाहते हैं, अपनी मर्जी के हमारा ठीक सा होना चाहिए, हमारा काम करने चाहिए सर, जो भी काम है हमारे होने चाहिए सर।